एक्टर अजय देवगन जिनके डायरेक्शन में बनी फिल्म शिवाय करण जौहर की अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल के साथ रिलीज होने वाली है। उनका मानना है कि करण जौहर के साथ उनके कुछ विवाद तो है पर उनके बारे में वो कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पर्सनल है। अजय ने एक इंटरव्यू के दौरान INS को अपने और करण के बीच चल रहे विवाद के बारे में बताते हुए कहा, हमारे अपने इशू हैं जो बहुत पर्सनल हैं। इसमें से कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है। मैं करण और अपने पर्सनल इशू के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसा कहा जा रहा है कि MNS से मिली धमकी के कारण करण की फिल्म दिल है मुश्किल को फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के होने की वजह से रिलीज के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर अजय को लगता है कि करण की इस फिल्म को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, अजय का कहना है, मुझे नहीं लगता कि फिल्म ए दिल है मुश्किल को रिलीज में किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि फिल्म पहले ही बनकर तैयार है। मेरा मानना है कि किसी फिल्म को बैन नहीं किया जाना चाहिए, ये फिल्म रिलीज होगी। जहां फिल्म शिवाय भगवान शिव की विशेषताओं पर आधारित फिल्म है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म ए दिल है मुश्किल वन साइड लव की कहानी है। दोनों फिल्में 28 अक्टूबर को दिवाली से दो दिन पहले रिलीज होंगी। INS रिपोर्ट।